तो आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का मोस्ट डिफिकल्ट पजल मैप। इस मैप में बहुत सारे अलग अलग रूम्स होने वाले हैं और हमें हर रूम में हिडन आइटम्स को फाइंड करना है। ओवरऑल मुझे अपनी माइनक्राफ्ट की सारी स्किल्स लगा के इन सभी पजल्स को कंप्लीट करना है। ओके, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ एक छोटे से पजल रूम में और मुझे अपनी बैक साइड में एक प्यारा सा बटन नजर आ रहा है और शायद से मुझे इस बटन को ही दबाना है क्योंकि इस रूम में इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। डन, इस बटन को प्रेस करते हैं और ये बटन दबाते रूम बड़ा हो गया और सामने एक बटन आ चुका है और ऊंचाई पर। ठीक है, मैं इस वाले बटन को भी जंप करके प्रेस कर देता हूं और ये क्या हो रहा है, मैं बटन दबा रहा हूं और रूम बड़े होते जा रहा है और बटन की भी हाइट बढ़ते जा रही है। शायद से मेरे को भी जंप करके ये वाला भी दबाना है, ये प्रेस हो सकता है और लेट्स गो। ये इस मैप का इंट्रो था, कंफ्यूजिंग क्यूब्स 2। ठीक है भाई, यहाँ पर रास्ता भी ओपन हो गया, हमें यहाँ पर जाना है, ये जगह है। बट वेट, यहाँ पर तो ग्लास लगे हुए हैं। शायद से मुझे यहाँ पर जाने से पहले ना रूल्स रीड करने होंगे, फटाफट चल के रूल्स पढ़ लेते हैं। डन, तो मैंने सारे के सारे बेसिक रूल्स रीड कर लिए हैं और यहाँ से ग्लास हट चुका है, लेवल अनलॉक हो गया है, फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। बट वेट, वन लास्ट थिंग बिफोर यू बिगिन, दिस इज द लेवल सिलेक्शन रूम। यू कैन एक्सेस दिस रूम एट एनी टाइम बाय राइट क्लिकिंग योर लेवल सिलेक्टर। लेट्स गो, अब स्टार्ट हो चुका है लेवल 1। फटाफट से हम लोग चलते हैं इस बड़े से रेड रूम में। चारों तरफ यहाँ पर ना रेड कॉन्क्रीट लगे हुए हैं और कुछ भी खास समझ नहीं आ रहा। सचमुच में ये पजल डिफिकल्ट होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा बहुत नेदर वाली फील आ रही है और वेट, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे पोर्टल बनाना है। ये इनकम्प्लीट पोर्टल है, चारों तरफ ऑब्सीडियन लगे हुए हैं तो हो सकता है मुझे ऑब्सीडियन फाइंड करने हो। और ये है नेक्स्ट लेवल का रास्ता, यहाँ पर भी ग्लास लगे हुए हैं, मुझे इन ग्लास को हटाना है। अच्छा, पहली चीज तो ये देख लो कि ये गेम पूरा एडवेंचर मोड में होने वाला है, यानी मैं कुछ भी तोड़ नहीं सकता। यानी अगर मुझे आगे जाना है तो मेरे को प्रॉपर पजल सॉल्व करके इस ग्लास को यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिलहाल सामने एक विलेजर है, इसके पास चलते हैं। चिल्ला किस ले रहा है? सॉरी फॉर फ्रीकिंग आउट बट योर फनी लुकिंग फेस स्केयर्ड मी देयर फॉर सेकंड। किसका फनी फेस? मेरी स्किन की बेइज्जती। वेट, ये मेरे फेस पे विदर स्केलेटन स्कल कब आ गया? एक सेकेंड, इसको हटाओ यार, बड़ा गंदा लग रहा है। बाकी हाँ, ये विलेजर शायद से हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ट्रैविस इसका नाम है, ये क्या क्या ट्रेड कर, ओ ये तो कुछ अलग ही ट्रेडिंग दे रहा है। विदर स्केलेटन स्कल के बदले क्राफ्टिंग टेबल देगा, स्केलेटन स्कल के बदले ये देगा मुझे फर्नेस, क्रीपर हेड के बदले देगा एनविल एंड जॉम्बी हेड के बदले देगा स्मिथिंग टेबल। तो मैं शायद इससे क्राफ्टिंग टेबल ले सकता हूँ। इस क्राफ्टिंग टेबल को लेकर मुझे कुछ ना कुछ तो क्राफ्ट करना है जो मैं यहाँ से बाहर लेकर जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो इस क्राफ्टिंग टेबल को मैं रख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको कहीं पर भी प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। वेट, यहाँ पर शायद रीड करना है कुछ, कैन बी प्लेस ऑन रेड टेराकोटा। ओ तो यहाँ पर बीच बीच में देखो रेड टेराकोटा लगे हुए हैं, मैं इसको सिर्फ इसके ऊपर प्लेस कर सकता हूँ और वहां ऊपर आग लग गया और मेरे को 3 ऑब्सीडियन मिल गया। पक्का मुझे इस पोर्टल को कंप्लीट करना है, मैं बिल्कुल सही था। फटाफट से इस ऑब्सीडियन को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। बट वेट, अभी सिर्फ 3 मिले हैं, मुझे और भी काफी सारे चाहिए होंगे। मुझे ना शायद से इस रूम में थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी करनी है। पक्का कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जहाँ पर कोई सीक्रेट बटन सीक्रेट लीवर होगा जिससे मुझे कोई रेयर आइटम मिल सकता है। फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना हमें एक ये रेड कॉन्क्रीट ला के लगाना है, फिर ये दरवाजा ओपन हो जाएगा। बट वो रेड कॉन्क्रीट मिलेगा कहाँ पर, मुझे कोई आइडिया नहीं। ये एरिया मैं अच्छे से चेक कर चुका हूँ और ये देखो यहाँ पर एक नीचे चेस्ट थी, उस चेस्ट से मुझे मिल चुकी है एक पिकैक्स और इस पिकैक्स का काम है क्रैक्ड नेदर ब्रिक्स। ये हमें हिंट दे रही है, क्रैक्ड नेदर ब्रिक्स। पक्का यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा नेदर ब्रिक है जो थोड़ा बहुत क्रैक्ड है। फिलहाल देखने में तो मेरे को कोई भी यहाँ पर क्रैक नहीं लग रहा है, बट हाँ यहाँ पर बहुत सारे हैं, मेरे को बस ढूंढना है। पक्का कोई ना कोई तो होगा। फिलहाल इस वाले पिलर में तो मुझे कोई भी नेदर ब्रिक बिल्कुल भी क्रैक नहीं दिख रहा। और वेट, यहाँ पर एक अलग ब्लॉक है बाकी ब्लॉक से जो मैच नहीं हो रहा है, ये दूसरी बायोम का है। बट ठीक है, उसका कोई ना कोई तो यूज होगा, मैं याद रखूंगा इन सबको। फिलहाल यहाँ पर सचमुच में कोई भी, वेट, मेरे को मिला यहाँ पर एक क्रैक नेदर ब्रिक, मेरे ऊपर ही था, मैंने उसको तोड़ दिया और मेरी पिकैक्स भी टूट गई, इतनी कमजोर थी क्या वो। फिलहाल ये ओपन हुआ है यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसा खास है नहीं यार, इसको तोड़ने का सचमुच में कोई फायदा हुआ। यहाँ पर एक चेस्ट है और उस चेस्ट के अंदर शवल है। भाई ये सच्ची में बहुत मस्त मैप है। इस शवल में भी कुछ लिखा है, कैन ब्रेक वॉब्ड नाइलियम। ओ वेट, ये वॉब्ड नाइलियम, ओ वेट मेरे को याद आया, इसी को तो कहते हैं वॉब्ड नाइलियम, मुझे इसे तोड़ना है शायद से। और इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर एक चेस्ट हो रहा है जिसके अंदर से मेरे को मिल चुका है रेड कॉन्क्रीट और अभी मैं नेक्स्ट दरवाजे को ओपन कर सकता हूँ। यार सचमुच में ये काफी ज्यादा खतरनाक पजल्स होने वाली है। लेवल 1 में इतना कुछ करना पड़ेगा,
तो पता नहीं है लेवल 2 कैसा होने वाला है। देख लो भाई, मेरे से कुछ छुपने उपने वाला है नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ है। ओ वेट, ये देखो यहाँ पर ये जो ट्रैप डोर है मैंने इसे हटाया और उसके पीछे एक बैरल था जिस बैरल के अंदर एक शवल है और ये है एफिशिएंसी 5 की। कैन ब्रेक सैंड, रेड सैंड एंड स्केलेटन स्कल, मतलब ये जो तीन चीजें लिखी है ना, ये इन तीन चीज के अलावा कुछ भी नहीं तोड़ सकते और पक्का मुझे इसे नीचे लेकर जाना है क्योंकि यहाँ पर रेड सैंड थी तो मुझे इस रेड सैंड को यहाँ से हटाना है और हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई सीक्रेट चीज छुपी हुई। ये एक रेड स्टोन का ओर है जो कि मैं शायद से नहीं माइन कर सकता, इसके लिए मुझे पक्का कोई ना कोई सीक्रेट पिकैक्स लानी पड़ेगी और मुझे इस रेड सैंड को हटाना है। यहाँ पर और भी सीक्रेट चीजें हो सकती है यार। सचमुच में यहाँ पर ना बहुत सारा सैंड है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भी, बट हाँ इतना सारा सैंड हटाने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। पता चला है सैंड तोड़ते तोड़ते मैं किसी ऐसी जगह पे चले जाऊँ कि कूद के वापस ही ना चाह पाऊँ। अरे ये नहीं होना चाहिए यार। यार मैं ना सचमुच में बहुत सारा सैंड हटा चुका हूँ भर भर के और मैं नीचे क्यों गिरता जा रहा हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारा सैंड है, फटाफट से इसको भी हटाते। लेट्स गो, मुझे अंदर एक विदर स्केलेटन हेड मिल चुका है। सॉरी विदर स्केलेटन हेड नहीं, ये एक स्केलेटन स्कल है। ओके बट वेट, वहां पर मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और ढूंढा ढांडी करने वाला हूँ। अच्छे से कोई भी चीज नहीं बचेगी क्योंकि अगर यहाँ पर इतनी सारी सैंड है तो पक्का और भी कोई ना कोई सीक्रेट चीज होगी। मुझे यहाँ से एक चारकोल मिल चुका है, पता नहीं इस चारकोल का क्या यूज है बट ठीक है। मेरे लिए ना भी इस मैप में हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और जब तक यहाँ पर सारी सैंड खत्म नहीं हो जाती ना मैं प्रॉपर माइन करने वाला हूँ। ओके तो अभी मैं माइन करते करते दूसरी साइड पर आ गया और एक सेकेंड यहाँ पर तो प्रॉपर एक नई जगह ओपन हो गई है और यहाँ भी एक चेस्ट है जिसके अंदर ऑरेंज टेराकोटा है और शायद से ये ऑरेंज टेराकोटा मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बैरल है, इस बैरल के अंदर ग्लास बोतल है। पानी भर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस ग्लास बोतल का भी कोई यूज नहीं पता। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि बाद में पता नहीं आना हो या ना आना हो, थोड़ा सा पानी और भर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर जितनी भी रेड सैंड थी वो खत्म हो चुकी है और मुझे अभी वापस ऊपर निकलना चाहिए। थोड़ी बहुत और सैंड है ये भी खो दी देता हूँ ना। वेल तो अभी फिलहाल मैं भागते भागते ऊपर आ चुका हूँ। बाकी यार ये वाला जो रास्ता है ना इसको अभी तक मैं ओपन नहीं कर पाया क्योंकि इस तरफ में बिल्कुल सैंड ही नहीं है, नीचे से भी कोई रास्ता इस तरफ नहीं आ रहा है। पक्का कुछ ना कुछ और तरीका होगा यहाँ पर आने का। फिलहाल अभी हाँ मुझे इस तरफ जाना था, यहाँ पर लगाना है मुझे ऑरेंज टेरा, ओ नहीं मुझे ऑरेंज टेराकोटा नहीं लगाना, शायद मुझे इसके साथ ये टेराकोटा नहीं ट्रेड कर। वेट मुझे समझ आ गया, अगर ये जो स्केलेटन है मतलब ये जो स्कल मेरे को मिला था ना, मैं इसके साथ ट्रेड करके इससे एक फर्नेस ले सकता हूँ। अब ये जो फर्नेस है इसको भी मुझे रेड टेराकोटा पे रखना है और ये जो चारकोल है ये लगेगा यहाँ पे और इसको अगर मैं यहाँ पर स्मेल्ट करूंगा तो मेरे को मिलने वाला है वो टेराकोटा जो वो ट्रेड करेगा मेरे साथ ग्लेस टेराकोटा। फिर मेरे को देगा एक ऑरेंज कॉन्क्रीट। फिलहाल तीन नए ऑब्सीडियन मिले हैं, इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं इससे ट्रेड करते रहूंगा ना ये मेरे को तीन तीन ऑब्सीडियंस भी देगा इनके बदले। तो बेसिकली मेरे को स्कल्स फाइंड करने और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल मेरे को इससे ऑरेंज ग्लेस टेराकोटा मिल चुका है, इस टेराकोटा को मुझे इससे ट्रेड करना है और अब मेरे को मिल गया ऑरेंज कॉन्क्रीट जो कि लगेगा यहाँ पर और पॉइंट हो चुका है लेवल 3 और ये लेवल कुछ तो अजीब सा है यहाँ पर। ओ तो ये मुझे तीन गोल्ड इंगट्स के बदले एक लेटर दे देगा जो लेटर मैं यहाँ पर लगा के इसके दोस्त को बचा लूंगा। अबे फ्री में देना, तेरे ही दोस्त को तो बचाना है। बाकी नहीं ये फ्री में नहीं देने वाला तो मुझे कुछ। यहाँ पर एक चेस्ट हो रहा है, इस चेस्ट के अंदर एक पिकैक्स है और इस पिकैक्स पे क्या लिखा हुआ है, कैन ब्रेक गिल्डेड ब्लैक स्टोन, लेट्स गो। अपना काम हो गया, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे गोल्डन नगेट्स मिलने वाले हैं और उस गोल्डन नगेट्स के मैं गोल्डन इंगट बनाकर इससे एक लेटर खरीद लूंगा। डन, तो फिर अभी फटाफट से इसको तोड़ते चलते हैं, मुझे ढेर सारे गोल्डन नगेट्स चाहिए होंगे। वैसे यार अच्छी बात तो ये है कि ये इनफिनाइट है, मैं जितने चाहे उतने गोल्डन नगेट्स यहाँ से निकाल सकता हूँ। बाकी मैंने एक स्टैक से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। रुक मैं आता हूँ तेरी बैंड बजाऊंगा। ओके तो मैं भागते भागते आ चुका हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास, फटाफट से इसको डालते हैं यहाँ पर और ये बन चुके हैं टोटल 7 गोल्ड इंगेट्स। वापस से भाग के चलते हैं, मैं इससे कर लेता हूँ ट्रेडिंग। ये ले ढेर सारा गोल्ड और मेरे को दे दे एक लेटर। अब इस लेटर को मैं लगा के जा सकता हूँ ऊपर और शायद ऊपर जाकर ना मुझे ये येलो वाला कॉन्क्रीट मिल जाए जिससे मैं नेक्स्ट लेवल भी अनलॉक कर पाऊं। फटाफट से चलते हैं ऊपर, मुझे सचमुच में अबे ये क्या गिर रहा है यार ऊपर से, एक सेकंड ये कुछ गंदा सा लग रहा है, मैं साइड से जाने वाला हूं। ची वहां पर एक बोतल है, ये तोड़ लेता हूं। ओह ये बोतल हनी का बोतल है, ठीक है रखे रहते, पता नहीं किस काम आने वाला है। फिलहाल ये है उसका दोस्त, हेलो हार्वे, तू कुछ देने वाला है। ओह तो ये 5 गोल्ड इंगट्स के बदले मुझे एक येलो कॉन्क्रीट दे देगा और मेरे को वापस से अपनी क्राफ्टिंग टेबल पे जाना होगा। लेवल सिलेक्टर के थ्रू चलते हैं, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, अभी मेरे को जाना है फर्स्ट लेवल पे, लेट्स गो। ये मस्त है, आराम से मैं कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। ओके तो मैंने एक और गोल्डन इंगेट बना लिया है, अब वापस से हम लोग चलते हैं इस वाले लेवल पे टेलीपोर्ट होकर। डन,
तो जो जो लेवल अनलॉक है ना, मैं डायरेक्ट उससे टेलीपोर्ट हो सकता हूँ ताकि मेरे को इतना लंबा लंबा चल के ना आना पड़े। अब मैं आ चुका हूँ भाग के ऊपर। ये मैंने ले लिया से येलो कंक्रीट, थैंक यू मेरे भाई, तू ही तो एक बहुत बढ़िया बंदा है। फिलहाल पीछे दो गोल्ड ब्लॉक है यार, इसके पता नहीं इस काम के है, बाकी मेरा काम हो गया। मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये येलो कंक्रीट और लेट्स गो। लेवल 4 भी अनलॉक हो चुका है। और वेट, ये लेवल सचमुच में कुछ तो अजीब सा है। फिलहाल मेरे पास शवल है, इसके थ्रू मैं ये माइन कर सकता हूँ, मुझे इतना मालूम है। और यहाँ पर एक चेस्ट है, चेस्ट के अंदर एफिशिएंसी 5 का बुक मेरे को मिला है। बट इस बुक को पिकेक्स या फिर शवल पे लगाने के लिए, शवल पे ऑलरेडी लगा हुआ है, पिकेक्स पे लगा सकता हूँ मैं, बट इस पे लगाने के लिए मेरे को एनविल चाहिए होगा, तो वो भी अनलॉक करना पड़ेगा। फिलहाल सामने एक किड विलेजर है। और हेलो भाई, कैसा है? एक सेकंड, टॉमी, टॉमी इसका नाम है। और ये क्या कर रखा है तूने? ओ, तो मैं टॉमी की प्रॉब्लम समझ चुका हूँ। ये कह रहा है कि जो बड़ी सी स्लाइम है ना, इसने ये सेंट्री ब्लॉक ऑब्जर्व कर लिया, या फिर इसने कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर लिया कि ये बड़ा हो चुका है और अब ये वापस इसमें फिट नहीं आ रहा है, तो मुझे इसे छोटा करना होगा। और इसको छोटा करने के लिए ना टॉमी ने मुझे ये एक बॉटल दिया है, और शायद से ये बॉटल मुझे इसके ऊपर मारना है ऐसे। ओ वेट, इसके ऊपर मारती, देखो इसका साइज छोटा हो गया है। और यहाँ पर पीछे कोई कुछ तो एक नया एरिया है, शायद वो बाद में काम आएगा। फिलहाल मुझे इसे अभी और छोटा करना है। वो कैसे, क्या पानी मार सकता हूँ शायद? ओ, मैं इसके ऊपर पानी भी मार सकता हूँ, ठीक है। ये हनी मार सकता हूँ? नहीं, हनी नहीं मारना, मेरे को समझ आ गया, हनी मैं पी सकता हूँ। वहां पर जो पानी था ना, इसके अंदर मुझे वो पानी भर के लाना है, और उसके बाद मुझे उस स्लाइम के ऊपर यही मारना है। तो मेरे पास दो दो बोतल है, फटाफट से दोनों को मैं भर लेता हूँ और लेकर चलते हैं वापस से स्लाइम के पास। अरे टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो रहा हूं? मैं इतना बढ़िया, मेरे पास लेवल सिलेक्टर है, सीधा चलते हैं यहाँ पे। और कहां है वो स्लाइम? हेलो, तो ये ले तेरे लिए एक्स्ट्रा पानी आ चुका है, वो भी दो दो बोतल, और मैंने एकदम मस्त मार के इसे फुल छोटा कर दिया है। ओ, तो भी ये बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची जंप मारने लग गई है और डायरेक्ट चले गई है इसके अंदर। ले भाई टॉमी, तेरी मस्त हेल्प हो गई, ये थैंक यू, बस एक थैंक यू, इसके मतलब मुझे थैंक यू मिलने वाला है। बाकी मेरी जो बॉटल्स मैंने ड्रॉप करी थी वो भी गायब हो चुकी है, और मैं अभी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता यार, कुछ तो दे तू मेरे को भाई साहब। तूने अपना, ओए वेट, मेरे को एक बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची जंप करने की पावर मिल गई है इस स्लाइम की वजह से। ठीक है, मैं शायद से इस जंप का फायदा उठाकर ऊपर कोई तो रास्ता है वहां पे जा सकता हूँ। मुझे इधर स्केलेटन हेड नहीं है, ये प्रॉपर एक स्केलेटन है, तो शायद से मुझे इसे जाके मारना है। चलता हूँ, ये ले, ओए ये तो एक में ही मर गया। और इसको मारने के बाद मुझे बोन मील भी मिल गया है। इस पे लिखा है कैन बी प्लेस्ड ऑन वीपिंग वाइंस। वीपिंग वाइंस शायद से वही वाली वाइंस है जो अपनी लेवल 1 में लटक रही थी। चलते हैं वहां पे, बट उससे पहले यहाँ पर ना एक क्रीपर भी है, इस भाई साहब को भी निपटा देते हैं ऊपर चल के, बाय बाय। और यहाँ से मेरे को मिल चुका 5 गन पाउडर, लेट्स गो, चीजें तो अच्छी मिल रही है। फिलहाल आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ पर भी कुछ तो है, जंप मार के मेरे को चलना चाहिए अंदर। वेट, यहाँ रास्ता बंद है, और इस तरफ में रेड स्टोन का ओर है, बट मेरे को सचमुच में कोई ग्रीन कॉन्क्रीट नहीं मिला जिसे मैं यहाँ पर लगा के नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर लूँ। शायद अभी मुझे लेवल 1 पे वापस चलना चाहिए। यप, तो मैं वापस से आ चुका हूँ लेवल 1 पे, और ये जो बोन मिला है ये यहाँ पर यूज होगा। और ये वीपिंग वाइंस अभी लंबी हो चुकी है, मैं इस पे लटक के ऊपर जा सकता हूँ। सचमुच में यार माइनक्राफ्ट की हर एक स्किल आनी चाहिए इस सारी पजल को कंप्लीट करने के लिए। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा खास तो मेरे को नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर एक TNT है, TNT फूट जा भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, TNT भी नहीं फूटेगा। और मेरे ऊपर आने का मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई फायदा भी नहीं हुआ। फिलहाल मेरे को गन पाउडर और सैंड मिला था, पक्का मैं कुछ तो ऐसा, वेट क्राफ्टिंग टेबल पर चलता हूँ, शायद से मैं एक TNT बना सकता हूँ। यप, और इस TNT पे क्या लिखा है, कैन बी प्लेस्ड ऑन TNT, लेट्स गो। ये वॉल ब्रेकर है, आई मीन वॉल ब्लास्टर है। अगर मैं इस TNT को उस वाले TNT के ऊपर लगा दूं तो ये दोनों मिलके ब्लास्ट हो जाएंगे, और फिर शायद से वो वॉल ब्लास्ट हो जाएगी और मेरे को कुछ तो नया, वेट ये तो उसी वाले लेवल का रास्ता खुल गया बट टॉप साइड से। और यहाँ पर एक बटन है, एक सेकेंड, ये बटन अगर मैं दबा दूं तो, ओ ये बटन को दबाने के बाद ऊपर से कुछ यहाँ पर आके गिरा, और ये वाला रास्ता भी ओपन हो चुका है। उसके अंदर चेस्ट में क्रीपर हेड, भाई साहब मैं सब कुछ एकदम सही कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर ये हटाते हैं, चलते हैं हम लोग। अरे ये तो मैं वापस वहीं आ गया, बट हाँ यार आने का रास्ता भी तो यही था ना। तो अभी ना मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मुझे फटाफट से चल के ये क्रीपर हेड ट्रेड करना है, और इससे लेना है ये एनविल। इस एनविल के थ्रू मैं अपनी पिकैक्स पे लगा सकता हूँ एक प्यारा वाला ये एफिशिएंसी 5, लेट्स गो। अभी अपनी पिकेक्स पावरफुल हो चुकी है, और उसमें क्या आ गया, पहले मैं सिर्फ गिल्ड ब्लैकस्टोन तोड़ सकता था, और अभी मैं इससे लाइम टेराकोटा भी तोड़ सकता हूँ, जो कि वहाँ पीछे उस वाले रूम में है, वहाँ पर बाद में चलेंगे। फिलहाल ये 3 ऑब्सीडियन आए हैं, इसको मैं लगा देता हूँ, बस 3 ऑब्सीडियन और चाहिए, यानी कि मेरे को बस एक लास्ट ये ज़ॉम्बी हेड चाहिए होगा, फिर अपना सारा काम हो जाएगा। भाग के चलता हूँ, ये कुछ तो पार्कोर ही है, बट वेट मैं उस तरफ कैसे जाऊँगा, यहाँ से जंप मारूंगा तो पक्का भिड़ के, ओ नहीं यहाँ पर ये बैम्बू है, इस बैम्बू के थ्रू मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, और फिर सामने यहाँ पर, और फिर मेरे को इधर, नहीं
यहाँ से मुझे जाना है इस तरफ और फिर एकदम स्ट्रेट जाना है और फिर यहाँ पर जाना है और ये जा रहा है एक रास्ता अंदर वाली साइड पे और ये जगह कुछ तो भाई अजीब सी है। लेट्स गो। ओके तो ये वाला फ्लेम जा चुका है, फटाफट से पीछे होते हैं और भाग के चलते हैं आगे। लेट्स गो, यहाँ से भी मैं आगे जा सकता हूँ और भाई मैंने मजे मजे पे पूरा क्लियर कर दिया। और भाई साहब यहाँ पर कैसे कैसे कांटे थे, बट शायद से अभी भी काम निपटा नहीं है, आगे और भी प्रॉब्लम्स आने वाली है। बटन मैं दबा देता हूँ, इस बटन के वेट, ये कुछ तो था, मैं समझ गया। यहाँ पर ना इनविजिबल ब्लॉक्स हैं, ऊपर से ये ड्रॉप्स गिर रही हैं और ये जो ड्रॉप्स है ना सिर्फ इनविजिबल ब्लॉक्स के ऊपर रुक रही है। दोबारा से बटन दबाते हैं, जैसे ही आके गिरेगी मुझे तुरंत ना भाग के जाना है इनविजिबल ब्लॉक्स याद रख के और इसको पूरा कंप्लीट करना है। इजी था यार सचमुच में। और ये कुछ तो गड़बड़ है, शायद मुझे इसके आने से पहले आके कोई तरफ में भागना होगा। मैं सच में, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गिरने वाला हूँ। इस तरफ जाना है और यहाँ पर से आके जाना है और वेट, ये नहीं 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 नहीं, यहाँ से मेरे को जाना है इसके ऊपर और फिर यहाँ से चढ़ के जाना है इस तरफ। मैं खाली बिली पैनिक हो रहा था यार, सचमुच में इजी था यार ये तो बिल्कुल। फिलहाल मैं ये क्या था भाई, एक सेकेंड भाई मैं मारू किससे भाई साहब, ये तो फैस गई। यहाँ पर एक जॉम्बी आ चुका है, ढेर सारे एंडरमाइट आ गए हैं और यार मेरे पास पिकैक्स है लड़ने के लिए। ये क्या हो रहा है, उस बंदे के पास पूरा नेदरराइट आर्मर, दो नेदरराइट की एक्स है। तेरी भैंस क्रिटिकल मारूंगा, बहुत गंदे गंदे। वेट, मुझे ना कम शॉट मारने हैं पर अच्छे शॉट मार के इन सबको निपटाना है। पहले तो इन छोटों वालों को, बाद में इसी को मारता हूँ मैं। मेन तो कलेश की जड़ यही है, उनसे मेरे को टेंशन नहीं है इतने। तेरी ऐसी की तैसी, इधर आ इधर आ इधर आ, निकल यहाँ से। यार वेट, ये एंडरमाइट भी ना धीरे धीरे नीचे की तरफ में डैमेज पहुंचा रहे हैं, इनकी हेल्थ कम होती है। सोच रहा हूँ पहले इन्हीं को निपटा दूं लेकिन ये नहीं मानेगा। इधर आ इधर आ इधर आ, निकल भाई। कसम से मैं इनको इतना मार रहा हूँ बट अभी तक एक भी एंडरमाइट नहीं मरा। बहुत गंदा डैमेज दे रहे हैं। एंडरमाइट मर जाओ यार, मर क्यों नहीं रहे तुम, भैंस के क्या खा के आए हो, दो मर गए। मैंने सबकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर दी है, ऑलमोस्ट सारे एंडरमाइट मरने वाले हैं। ओके तो सारे के सारे एंडरमाइट मैंने निपटा दिए और ज़ॉम्बी भी मैंने मार दिया और यहाँ पर एक मस्त चेस्ट आ चुकी है। इस चेस्ट के अंदर एक, अबे एमरल्ड मेरा नीचे कैसे चला गया। उस चेस्ट के अंदर मुझे एक हेमरेट मिला और मेरे को ज़ॉम्बी हेड भी मिल चुका है उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद। ये ले, तेरे को यही चाहिए था ना, ला स्वॉर्ड दे। ये स्वॉर्ड का काम क्या है, कैन ब्रेक बर्च लीव्स, लेट्स गो। मैं इसके थ्रू ये वाली लीव्स तोड़ सकता हूँ, ये वाली भी क्या पक्का। यप, फ्लिंट मिल चुका है, कैन बी प्लेस्ड ऑन ऑब्सीडियन। मैं समझ गया, वो जो ऑब्सीडियन का फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा ना, ज़ॉम्बी हेड देने के बाद हमें स्मिथिंग टेबल मिलेगा, तो मैं अपना आगे का काम कर सकता हूँ। फ्लिंट एंड स्टील चला के शायद वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये कुछ तो है, एक सेकेंड, ये सारी लीव्स हटा देता हूँ मैं। ओ वेट, ये क्या था, ये स्वॉर्ड बनी ही इस हिसाब से थी कि मैं जैसे सारा तोड़ूंगा ये खत्म हो जाएगी। बाकी यहाँ पर तो ग्लास आ गया, मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पर ग्रीन कॉन्क्रीट लगाना होगा तभी मैं जा पाऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं लेवल 1 पे। तो ये मैं आ गया हूँ लेवल 1 पे, फटाफट ट्रेड कर लेते हैं इससे हम लोग ये ज़ॉम्बी हेड। ला भाई स्मिथिंग टेबल को रख देता हूँ मैं यहाँ पे। बाकी इसका यूज क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरे को ये 3 ऑब्सीडियन मिले थे, इन 3 ऑब्सीडियन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और फ्लिंट मिला था इसके,